आज के वीडियो में मैं एक कॉमन प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ जो कि सारे व्हीकल यूज़र्स को आती है, वो होती है बैटरी ड्रेनिंग की। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगाई हुई है जिसके कारण थोड़ा सा बैटरी का कंजप्शन इंक्रीज़ हो गया है, तो उससे मेरी बैटरी 24 आवर्स के अंदर ड्रेन हो जाती है। तो इसका मैं एक सोल्यूशन लाया, तो वो है ये कैपेसिटर बैंक। तो इसको मैंने बनाया खुद से, तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में सिंगल सिंगल कैपेसिटर को लगा लगा के दिखा देते हैं, बट उतना सक्सेसफुल होता नहीं है। तो मैंने इसमें 6-7 कैपेसिटर्स को यूज़ किया है, सॉरी 5 कैपेसिटर्स को। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े 4700 UF के काफ़ी सारे कैपेसिटर्स हैं, तो ये इतनी पावर को आराम से हैंडल कर लेगा क्योंकि सेल्फ का भी इसमें लोड आता है। तो इसको आपको बनवा लेना है, मैं इसकी फ़ोटोज़ कुछ यहाँ पे लगा देता हूँ, ऐसा किसी से आप बनवा लीजिएगा। इसको लगा लीजिएगा बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव में और इसके बीच में एक फ्यूज़ लगा लीजिएगा, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव का जो टर्मिनल है वो टूट गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से नेगेटिव करके ग्राउंड में दे दिया, तो सीधा ही काम कर रहा है। यहाँ पे वायर देख सकते हैं टूट गया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कभी आपके टर्मिनल टूट जाए। तो इसको मैं लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो मैंने इस अपने कैपेसिटर बैंक को लगा लिया है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। तो ये आपको तब चाहिए रहते हैं जब आपकी बैटरी वीक हो या आपने कुछ ऐसी टाइप की मॉडिफिकेशंस करी हुई, लाइट्स और हॉर्न्स वगैरह, तो तब आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए। और सेंटर लॉकिंग की वीडियो जल्दी आएगी, तो बस आपको इसको ऐसे इंस्टॉल लगा के और बैटरी के पास कहीं पे अच्छे से सिक्योरली ढंग से रख देना है। और इसके या तो टेपिंग भी कर सकते हैं ऐसे कुछ, इसको अगर प्लेस कर दे तो भी सही है, आवाज़ नहीं करेगा। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।